बैतूल जिले के अंतर्गत आने वाले भीमपुर ब्लॉक के लक्कड़ जाम में होशंगाबाद जिले के बाबई निवासी एक युवक के साथ मारपीट कर कार सवार लोगों ने खाई में लाकर फेंक दिया। पीड़ित युवक अरशद पिता अब्दुल गप्पार ने बताया कि मैं होशंगाबाद जिले के बाबई का रहने वाला हूं। हम लोग बंपर से बैतूल जिले के पाटाखेड़ा चेचोली रेत खाली करने आए थे। रेत खाली करने के बाद हम लोगों को बालाजीपुरम बैतूल से गिट्टी भरकर ले जानी थी। हम लोग पाटाखेड़ा में रेत खाली कर बालाजीपुरम के लिए निकले। पाटाखेड़ा के पास बाबा ढाबा पर हम लोग भोजन करने के लिए रुके। मैं बाथरूम करने के लिए सड़क किनारे गया, तभी वहां सफेद स्विफ्ट कार सवार लोग आए और उल्टी सीधी बातें करने लगे। तू मैं के साथ साथ गाली गलौज भी हमारे बीच में हुई। तभी उन लोगों ने मुझे पकड़ कर कार में बैठा लिया। कार में वो तीन लोग सवार थे, उन्होंने मुझे रास्ते में बहुत पीटा और साथ ही जंगल में भी पीटा। पीटने के बाद जंगल में फेंक कर चले गए। मैं रात भर खाई में पड़ा रहा। सुबह मवेशी चराने आए चरवाहों ने आवाज सुनकर पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। उसके बाद मुझे वाला से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। अब मेरा इलाज चल रहा है। भीमपुर बीएमओ ब्रजेश यादव ने बताया कि लक्कड़ जाम के पास की घटना है। गांव वाले एवं 108 एम्बुलेंस की मदद से एक अरशद गप्पार नामक युवक को लाया गया है। युवक को मारपीट कर खाई में फेंकने से कमर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। फ्रैक्चर में मैनेजमेंट के लिए युवक को जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है। वही चौकी प्रभारी पुरुषोत्तम गौर ने बताया कि सुबह 11 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीमपुर से सूचना प्राप्त हुई थी। युवक के प्राथमिक बयान दर्ज कर लिए गए हैं। युवक को तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारा गया है। युवक के प्राथमिक बयान के आधार पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। क्या आपका नाम? मेरा नाम अरशद। पिता का नाम? अब्दुल गफ्फार। अच्छा, कहाँ आए थे आप? मैं बाबई से निकला इटारसी से गाड़ी पे चलता हूँ। मैं डम्फर पे पाताखेड़ा हम रेत खाली करने आए थे। वहाँ से रेत खाली करके हम गिट्टी करने आ रहे थे बालाजीपुरम। अच्छा, सर है। तो उस बीच में बाबा ढाबे पे मेरे को ड्राइवर ने उतार दिया। मैंने बोला मेरे को उतार दे, वो उसने खाना पहले ही खा दिया। मैंने कहा तुम गिट्टी करके लाओ, उससे हम खाना खा दिया। बाबा ढाबा कहाँ पे? एक पाताखेड़ा हरदा रोड पे। अच्छा, तो वहाँ से मैं बाथरूम करने के लिए रुका तो दो लोग आके तो मेरे को गाली रखने लगे। तो मैंने बोला गाली क्यों रख रहा है, क्या कर लेगा। मैंने भी गाली रख दी थी। तो तीन लोग उतरे और मेरे को मारने लगे और गाड़ी में बिठा के और इधर जंगल में फेंक दिया। कौन सी गाड़ी थी उनके पास? स्विफ्ट वाइट कलर। गाड़ी का नंबर वगैरह पता आपको? नहीं पता। कहाँ के लोग थे, जानते हो आप उनको? इसी तरफ के होंगे, आपको जानता नहीं। मैं तो कोई भाषा लग रही थी, पहले नहीं देखा, कभी नहीं देखा। अच्छा, तो आपका वैसे खास रहना? बाबई जिला, होशंगाबाद जिला बाबई। अच्छा, तो आप लोग नहीं जानते? तो फिर क्या हुआ, उन्होंने कहाँ लेकर आया आपको? उन्होंने फेंक दिया था जंगल में। अच्छा, तो वो तो मैं रात भर पड़ा रहा। सुबह में चिल्लाया तो एक अंकल थे भैंस चराने वाले, तो उनने देखा और उनने मुझे उठा के 108 की सुविधा करवाई और सोलह मिली बता। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ लेकर आ गया आपको? उसके बाद मेरे को हॉस्पिटल ले आया, ट्रीटमेंट कर लिया। सर, यहाँ पे एक युवक को लेकर आए हैं जी, उसी से मुझे जानकारी चाहिए थी। क्या मामला है ये? अरशद गफ्फार नाम का लड़का है, 24 साल का, होशंगाबाद का निवासी है। इसके साथ एक वारदात हुई है, ये कल रात 10 बजे के लगभग इसको एक लक्कड़ जाम के पास एक ढाबे से उठाया गया, किसी दो युवक द्वारा कार में रखा गया और उसके बाद वहाँ से ले जाके इसके साथ लूटपाट हुई, मारपीट करके लक्कड़ जाम के एक डैम के पास इसको फेंक दिया गया। वहाँ से आज सुबह 108 द्वारा और 108 एवं गाँव के वालों की मदद के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर एक लड़का है जिसके साथ ऐसा हादसा हुआ है और 108 ने इसको हमारे तक लेके आया। जांच हुई, उसके बाद उससे बात करी गई, पुलिस को सूचना दी गई, MLC दाखिल करी इसकी और सूचना के बाद पता चला, ये पूरा मामला पता चला कि इसके साथ लूटपाट हुई है, मारपीट का मामला, फेंकने की वजह से इसको चोट आई है। ये एक बताया जा रहा है कि एक खाई में गिरा था लड़का।
का, एक छोटी सी खाई थी जिसमें काफ़ी गहरी थी, पत्थर वगैरह थे जिसमें उसको चोट आई। चोट में हमने हमारे हॉस्पिटल में एक्सरे किए तो पैर में तो चोट नहीं है ज़्यादा, पर उसकी कमर की एक हड्डी जो स्पाइनल L3 बोलते हैं, L3 एक हड्डी होती है जिसमें फ्रैक्चर आया है। अब इस फ्रैक्चर के मैनेजमेंट के लिए उसको बैतूल रेफर किया जाए। थैंक यू महोदय। ये लक्कड़ियाम के पास में कोई घटना घटित हुई है, इस विषय में आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? आज सुबह 11 बजे करीब CSC भीमपुर से एक व्यक्ति को लाइन की सूचना प्राप्त हुई थी 108 द्वारा, तो उसके प्राथमिक बयान दर्ज किया गया है। उसको 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारा गया है। उसके प्राथमिक बयान के आधार पर जो भी सुसंगत धाराओं में कार्रवाई होगी, अपराध पंजीकृत कार्रवाई की जाएगी।